आजकल जो सोशल मीडिया है उसका जमाना है और ये जमाना अब लगातार चलेगा और बहुत बड़े पैमाने पर चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही मेन मीडिया बन गया है और आगे भी ये बनता रहेगा। जो एस्टैब्लिश जिसको मेन मीडिया कहते हैं वो कहीं पीछे खत्म हो गया। एक तो उसकी विश्वसनीयता भी खत्म हो चुकी है और अब उसमें मां धाड़ का फिल्म ज्यादा चलता है, समय समय कार्यक्रमों का या देश की प्रगति का या देश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम उसमें चलता नहीं है। ये सारा इसलिए होता है क्योंकि हर एक आदमी को टीआरपी चाहिए, पैसा चाहिए। जितना ज्यादा लोग टीवी को देखेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ज्यादा आमदनी होगी, बिजनेस है। और अगर आप बहुत बढ़ चढ़ के कोई बात को नहीं कहेंगे या गुस्से में नहीं कहेंगे या भड़काऊ नहीं कहेंगे या परे हटकर नहीं कहेंगे या ऐसा जो झगड़ा पैदा करने का होगा उसको नहीं कहेंगे या उसको हॉट न्यूज या उसको सेंसेशन या उसको बहुत ज्यादा ब्रेकिंग या उसको तोड़ी फोड़ी न्यूज, ब्रेक का मतलब तोड़ा फोड़ा होता है, ब्रेकिंग का मतलब तोड़ी फोड़ी न्यूज, तो जब तक आप तोड़ी फोड़ी न्यूज नहीं बनाओगे उसको तब तक लोग उसको देखेंगे नहीं। तो कितना मिर्च मसाला है तो उसको रोक रोक के दिखाना, तोड़ फोड़ के दिखाना, ब्रेकिंग करके दिखाना, ब्रेक करके दिखाना, ये उनका काम है, ये उनका बिजनेस है। मगर मैं बात यहां जो कर रहा हूं वो सोशल मीडिया कर रहा हूं और सोशल मीडिया में भी मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो इसको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और या खास तौर से जो बुद्ध वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर के बुद्ध वाले लोग हैं वो उसको चला रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो खास है। आपने देखा होगा कि ये जो सोशल मीडिया के जितने भी भारत में, अब तो ये सैकड़ों और हजारों तादाद में हो गए हैं, इनके पास में कोई ढंग के सब्जेक्ट नहीं है। ये कभी भी जो बात को कहते हैं वो वही बात कहते हैं जो मेन स्ट्रीम का मीडिया इनके दिमाग में डालता है, ये उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया इनके लिए खाना बना के लाता है ये उसी को बासी खाने को खाते हैं। इनके पास अपना ताजी खाना बनाने की कुवत नहीं है, ये अपना खाना नहीं बना सकते। जो वो हेडलाइन चलाते हैं, जो मेन न्यूज चलाते हैं, उसी पर प्रतिक्रिया देकर हमें परोस देते हैं। इन्होंने आज तक भी इस बात का जिक्र नहीं किया किसी भी सोशल मीडिया ने कि भारत में इतने सारे धर्म हैं तो धर्मों पर चर्चा होनी चाहिए। जो भारत में सिखिज्म है तो वो क्यों आया, क्या कारण रहे, क्या उसकी रीजन रहे, जो बुद्धिज्म है वो क्यों चला गया और बाबा साहब ने उसको दोबारा से किया तो क्या उसके रीजन रहे, क्या कारण रहे, उसके क्या लाभ हैं, क्या नहीं है। दुनिया ने बुद्ध को अपना लिया, भारत ने बुद्ध को क्यों नहीं अपनाया, किन लोगों ने उसको खत्म किया, वो लोग कौन है, या वो ये कभी चर्चा नहीं करते कि ये जो मुसलमान है पूरी दुनिया में जब एक भी नहीं थे फिर ये भारत में कहां से आए और ये यहां के कितने कन्वर्टेड मुसलमान हैं और ये क्यों कन्वर्ट हुए, क्यों ये इन्होंने अपने बाकी चीजों को छोड़ के, या क्या इन्होंने छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, क्या रीजन रहा ये कन्वर्ट हुए और क्या रीजन रहा कि यहाँ के लोगों ने जो भाई बंधु थे इनके उन्होंने रोका नहीं, और रोकने का क्या कारण था या क्या नहीं था, ये सवाल का जवाब नहीं करते। ये जातिवाद पे कभी बात नहीं करते, ना ही जातियों का विश्लेषण करते, ना ही ये जातियों को पूछते। ये जाति लेके खुद बैठे रहते हैं सारे मीडिया वाले, अपनी भी जात लेके बैठे रहते हैं और अपनी जात का भी खूब प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जात का प्रोपेगेंडा करते हैं, जात को हाईलाइट करते हैं, मगर जाति कैसे बनी कैसे नहीं बनी, जाति का क्या है, उसका कोई कार्यक्रम ये लगाते नहीं है। ये कभी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं लगाते कि भारत में जो देश को गुलाम बना है वो किसने बनाया, यानी अंग्रेजों का गुलाम किसने बनाया, मुसलमानों का गुलाम किसने बनाया, मुगलों का गुलाम किसने बनाया, ये देश को गुलाम बनाने वाले लोग आज हैं कहां। ये कभी ये कार्यक्रम नहीं लगाते कि भारत में जो इतने रिफ्यूजी आए हुए हैं उनको आरक्षण दिया गया था तो वो आरक्षण क्यों दिया गया, आरक्षण का क्या लाभ उनको मिला, उनकी स्थिति क्या बदल गई, उनको जमीन और उनको पैसा उनको नौकरियां आरक्षण में दी गई थी जो बाहर से रिफ्यूजी लोग आए थे, उनकी आज क्या स्टेटस है, उनका क्या पॉलिसी है। ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि भारत में टोटल कितने लोगों को शिक्षा है, कितनी नहीं है, और कितने उनको स्कूल और चाहिए, स्कूल खुल क्यों नहीं रहे हैं, स्कूल कहाँ चले गए, शिक्षा का अभाव क्या है, और शिक्षा नहीं होने से हमारा विश्व में क्या पोजिशन रहेगी और क्या स्थिति रहेगा, कभी चर्चा नहीं करते। ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि जो खाना है वो सफिशियंट भारत में है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है। ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि जो बजट में पैसा आता है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और वो पैसा कैसे कैसे गरीबों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि जो एजुकेशन है वो महंगी की गई तो क्यों की गई, उसके क्या प्रभाव है क्या नहीं है। ये बेसिकली बहुत एक कोकस सा बना हुआ है, ये जो मीडिया, जो सोशल मीडिया एससी एसटी ओबीसी का या माइनॉरिटी का है, ये बहुत ज्यादा उनके ऊपर निर्भर है जो मीडिया, जिससे ऑलरेडी देश के सब्जेक्ट पे चर्चा करता ही नहीं है।
तो इनके अपने सब्जेक्ट भी उसी पे आधारित होते हैं, इसलिए इस मीडिया का, सोशल मीडिया का इतना फायदा नहीं हो रहा है। ये भी हाईलाइट के चक्कर में रहता है, ये भी अपनी खबरें बेचने के चक्कर में रहता है, ये भी इस चक्कर में रहता है कि हमारा यूट्यूब चैनल पे ऐसी खबर लगे जो सामने वाला तुरंत खोल ले, उसमें चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। तो एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस करने वाली खबरें, या जो डाटा वाली खबरें हैं, या जो संविधान की, लोकसभा की खबरें हैं, या जो वहां क्या चल रहा है, क्या नियम बना, क्या रूल बना, उस पर क्या विश्लेषण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में डॉक्टरेट किए हुए लोग नहीं है, मगर ये वहां तक जाते ही नहीं। ये क्या करते हैं, कुछ 10-5 चेहरे पकड़ लेते हैं और 10-5 चेहरों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतनी सारी प्रतिभा हैं, इतने सारे डॉक्टरेट लोग हैं, इतने सारे स्कॉलर स्टूडेंट हैं, इतने सारे रिसर्चर हैं, इतने सारी नई नई प्रतिभा हैं, वहां तक पहुंचने की इनकी समझ नहीं है, इनको वो क्वेश्चन नहीं आते, घबराते हैं ये लोग। इसलिए मेरी इन सबसे निवेदन है कि आप अपने सोच का दायरा बदलें और जो एस्टैब्लिश मीडिया है उसके क्वेश्चनों को, उसके बासी खाने को ना उठाएं, आप अपना फ्रेश क्वेश्चन उठाएं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ढूंढेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पर तो उन्होंने काम किया ही नहीं है, उन्होंने कभी इस बात पर काम नहीं किया कि भारत का 70 साल में डेवलपमेंट का ग्राफ क्या है और कैसे दूसरे देशों की तुलना में हम पिछड़ गए और क्यों हमारी हालत खराब है। उन्होंने कभी इस बात पे कभी कोई एनालिसिस नहीं किया कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं और देश की संपदा ले जाते हैं, वो पढ़ लिख के बाहर नौकरी करना पसंद करते हैं, भारत में क्यों नहीं करते, और भारत में ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है कि जबकि दो तरह की भाषा में एजुकेशन दी जाती है। वो कभी इस बात पर चर्चा नहीं करते कि भारत में जातिवाद सब हर व्यक्ति रखता है, तो जातिवाद पे खुल के टीवी चैनल क्यों नहीं चर्चा करते, भारत में खुलकर जातिवाद पे जो लोग हैं वो चर्चा क्यों नहीं करते, इसका फायदा उठाते हैं तो इस पर चर्चा क्यों नहीं करते। ये बड़े सारे क्वेश्चन हैं, बड़े सारी चीजें हैं, ऐसी लाखों हैं। मेरा निवेदन है कि वो इस पर चर्चा करें और देखें और सोशल मीडिया होने का सकारात्मक पहलू समाज को दें, जिससे देश आगे बढ़े, दुनिया में हमारा नाम हो और हम अमरीका से भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.